ये देश कौन चला रहा है? ये बिकाऊ दलाल, मैं सरकार का कोई सपोर्ट नहीं करता। इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अन्ना हजारे इज ए बेड एजेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। बाबा रामदेव का अनशन खत्म हो गया, अन्ना हजारे का आंदोलन भी सरकार की नीतियों की चपेट में ध्वस्त होता नजर आ रहा है। आज हमारे साथ विश्वबंधु जी हैं। विश्वबंधु जी, आपका स्वागत है। जन लोकपाल बिल क्या सचमुच देश के लोगों को मिलने वाला है? जन लोकपाल बिल एक ऐसा रिवॉल्वर है जिससे जितने करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनकी हत्याएं हो सकती हैं, और ये पूरी मूर्खता का हमारा कदम था। मैं समझता हूं मैंने ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया, मैं आपको सीधा बोलूं, क्योंकि ये सब अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण के दिमाग की उपज ज्यादा है, हम इस स्टेज पर नहीं लाए गए थे। बाद में मुझे ये, और ये मूर्खता है। कैसे मूर्खता? इसलिए है कि देश में अभी तक पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी नहीं आई है, या देश में हम लोगों को ये नहीं पता लगा है कि इस देश के बड़े बड़े नेता कितने करप्ट है। ये बात अब थोड़ा थोड़ा करके फैल रही है, लेकिन उस जिस स्टेज पर ये बनाना शुरू किया है तब तक ये नहीं सोचा था। और उसमें क्या हुआ, जो पूरी जो रूप, प्रशांत भूषण तो वकील है, अब उन्होंने तो साहब पूरा एक्ट बना दिया कि साहब ये भी आएगा वो भी आएगा, बनाने से तो एक्ट कुछ नहीं होगा। सरकार ने ये भांप लिया था शुरू से कि ये जो चीज है ये तो हमारे लोगों की हत्या कर देगी सबकी। आज आप देखिए आवाजें उठ रही हैं जन लोकपाल बिल के। मैं हैरान था, शरद यादव ने, जिसने मैंने उनका टेलीविजन पे देखा, ये बोला ये कौन लोग हैं ये? शरद यादव जी, मैं उनको एक ईमानदार नेता मानता हूं, मैं उनको एक लोहिया का एक आदमी मानता हूं, एक काफी अच्छे करेक्टर के आदमी है, ये भी आपको बता। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? कहीं पर दो चीजें आ गई हैं। एक तो उन्होंने कहा ये बाहर के सड़क पे चलते हुए आदमी। तीन, देखिए नजरिया है, मैं चुनाव जीत कर आया हूं, मैं देश की जनता को रिप्रेजेंट करता हूं, ये लोग हैं कौन? अगर कल को ये घुसकर बिल बनाने लगे देश का तो मैं कहा हूं? और ये इन लोगों ने गलती की कि तुम इनको खुद समझना चाहिए था कि हम कुछ नहीं है। ये इनको किसी भी हालत में मनीष जी जीओएम के अंदर जाना ही नहीं था। आप सरकार का पार्ट नहीं है, आप पब्लिक मूवमेंट का पार्ट है। जब आप पब्लिक मूवमेंट का पार्ट है तो पब्लिक मूवमेंट की स्पेस में रहिए। और ये मूर्खता की श्री अरविंद केजरीवाल ने, श्रीमती किरण बेदी ने, और बिल्कुल मैं आपको बोलूं, मैं बिल्कुल इज्जत के साथ बोल रहा हूं अन्ना हजारे जी के बारे में, वो मूर्ख व्यक्ति है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, देखिए मूर्ख और ईमानदार में फर्क होता है। ये चीज इनको समझनी चाहिए थी कि आपका लोकल स्टैंड आई क्या है, आप इलेक्ट होके नहीं आए। आज जो गवर्नमेंट कह रही है, आज उन्होंने पूछा संतोष हेगड़े से और उठ के चल दिए आज मीटिंग में। पहले क्यों उठ के चले गए? उनको अच्छा नहीं लगा। उनसे क्या पूछा गया? उनसे पूछा गया आप यहाँ पे किस कैपेसिटी में बैठे? ये किसने पूछा? किसी ने, मंत्री ने पूछा होगा, ये उन्होंने नहीं बोला। अच्छा, उसने कहा आप हैं कौन? आज ही पूछा गया, उठ के चले गए आज के वो जो मीटिंग, जीओएम की मीटिंग, वो सबसे पहले वो निकल के गए। सबसे पहले वो मीटिंग के दौरान बीच से ही निकल गए, खत्म होने से पहले निकल। अच्छा, फिर वो क्या पूछा? उन्होंने जो नीचे बोला मैं उसको सुना टेलीविजन पे, तो उन्होंने कहा कि साहब ये हमें सुनने में आया है कि पिछली मीटिंग में भी कुछ उल्टे सीधे शब्द कहे जा रहे हैं दोनों तरफ से, तो आपका इस पर क्या कहना है? तो संतोष हेगड़े जी ने बोला कि मैं उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े सज्जन पुरुष हैं, बहुत बोले मैं इस बारे में एक्चुअली कोई बात करना नहीं चाहता था, अब आपने पूछ लिया है तो मैं उसका जवाब दे दूं। कहने लगा आज हमसे पूछा गया कि आप हैं कौन यहां बैठने वाले। यही सरकार जो इनके तलवे चाट रही थी जब ये फंसे हुए थे अनशन में, इनसे पूछा गया, मुझे नहीं पता किस मंत्री ने पूछा। उन्होंने बताया नहीं कि मैं कर्नाटक का लोकायुक्त हूँ? ना ना, कर्नाटक का लोकायुक्त को तो वही मिनिस्टर के साथ वो भी नहीं बैठ सकता, वो नहीं बोला उन्होंने। खैर, ये उनकी एक मैं समझता हूँ शालीनता है, और वो एक बड़ी गरिमायुक्त व्यक्ति है। उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ, आई एम एन इंडियन,
तो उसने कहा फिर क्या करें, ये जवाब सुनिए, ये ऐसा लगा जैसे महात्मा गांधी का पूरा जैसे इंटरव्यू होता था अंग्रेजों के जमाने में, महात्मा गांधी फिल्म देखिए, तो महात्मा गांधी को जेलर बुलाता है तो कहता है हु आर यू टू डू दिस, तो महात्मा बोलते हैं महात्मा कि आई एम एन इंडियन, तो बोला सो, तो आज जो भी कुछ हुआ जीओए मीटिंग में वो ऐसे ही हो रहा था जैसे अंग्रेज के राज के 5 मिनिस्टर बैठे हैं और ये जस्टिस हेगड़े जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं उनके साथ ये बदतमीजी की गई। आज सुनिए, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है इस देश में इमरजेंसी जैसा क्रैकडाउन होने वाला है। आप सुन लीजिए, ये पूरा इनका दिमाग बन चुका है कि जो आदमी हमारे भ्रष्टाचार के रास्ते में आएगा या जो हमको रोकेगा उस पर क्रैकडाउन होगा। तो संतोष हेगड़े ने कहा कि उसने कहा आप हिंदुस्तानी है तो क्या है, उसने कहा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को राइट देता है मैं आपसे सवाल पूछूं और मैं जो कहना चाहता हूं मैं उसको एक्सप्रेस करूं। तो बोले हम सुनना ना चाहें तो आपकी बात को, और हम सुन भी के बाद हम कह दें कि हम नहीं मानते इस बात को, हम नहीं मानते इस बात को, तो उसने कहा वो आपका राइट है लेकिन आप मेरे को मेरी बात कहने से नहीं रोक सकते, वो आपका राइट है। ये बड़ा कहता है मैं बड़ा दुखी हूं, ये भी उन्होंने कुछ ऐसे ही कुछ वर्ड्स बोले कि मैं काफी दुखी हूं इस तरह का वार्तालाप हुआ। मैंने उनको कहा मेरा कहने का राइट है, मैंने बोल दिया कि क्यों चाहिए ये कानून, आपने बोल दिया कि हम नहीं मानते तो मैंने कहा वो आपका भी राइट है, तो बस कहने लगे मैं अब जा रहा हूं। वो चले गए, सबसे सोबर आदमी वही थे पढ़े लिखे। उसके बाद वो जो 3 बैठे हुए हैं वहां पर, आप इस देश में पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, आप पब्लिक के साथ रहिए ना, एक मास पब। इन्होंने जिस दिन जीओएम के अंदर गए मनीष जी, इन्होंने क्लॉज लिखी वहां पर कि जो लोकपाल के जो आदमी बनेंगे 7, उसमें किन लोगों को चुना जाएगा जो क्राइटेरिया कहीं बनाए, उसमें मेगासे अवार्ड भी लिख दिया। ओह माय गॉड, नहीं एक मैं अभी तक मैंने ये सवाल नहीं उठाया था लेकिन मैं अब उठा रहा हूं आज इस सवाल को। आप खुद अपनी अपॉइंटमेंट चाहते थे उस 7 मेंबर कमेटी में, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये किरण बेदी इंडिया फर्स्ट पुलिस ऑफिसर, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरा कुछ नहीं है, मेगासे अवार्ड विनर है। अरविंद केजरीवाल मेगासे अवार्ड विनर है, अन्ना हजारे मेगासे अवार्ड विनर है। आप अपनी नौकरियां तलाश कर रहे थे सरकार में, ये तो कहीं आया नहीं क्या ये मेगासे अवार्ड? आप देखिए ड्राफ्ट, मेरे पास तो ड्राफ्ट है, उन्होंने कई कैटेगरी लिखी है, ये नहीं लिखा ए मैन ऑफ ग्रेट एमिनेंस रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, 6-7 कैटेगरी, उसमें एक कैटेगरी है मेगासे अवार्ड, और सिर्फ मेगासे अवार्ड विनर, अगर नोबेल लॉरेट है तो बाहर है साला। ये सारा नौकरी ढूंढने का षड्यंत्र रचा 3 आदमियों ने, हमें मेरी बला से करप्शन मूवमेंट जाए धुन्नम में। मैं इनका करेक्टर बताना चाहता हूं, सरकार का भी करेक्टर बताना चाहता हूं और इन लोगों का भी बताना चाहता हूं। 5 मेंबर की कमेटी में मेगासे अवार्ड विनर 3 बैठे हुए हैं, अन्ना हजारे भी मेगासे अवार्ड विनर हैं। क्या चाहते थे आप, लोकपाल बने? लोकपाल बनना चाहते थे 7 मेंबर की कमेटी के, और क्या करने गए थे, ये नौकरी ढूंढने गए थे? और मैं समझता हूं क्योंकि इतने छोटे दिमाग से गए थे, क्योंकि इन लोगों का दिमाग इतना छोटा है, क्योंकि इन्होंने इलेक्टेड पॉलिटिशियंस की बेइज्जती की जब ये जंतर मंतर पर जब ये हो रहा था, इनको क्या राइट है? मैं चौथाला कुछ ही किसी भी तरह का आदमी हो, आपको क्या राइट है उसको भगाने का वहां से? उमा भारती आप अनशन अगर आप वहां से, आपको क्या राइट है उमा भारती जी को भगाने का? कौन है ये लोग? ये हिंदुस्तान है, अनशन हो रहा है, एक कुछ हो रहा है, आप कौन होते हैं इनको भगाने वाले? सुनिए, कोई किसी को नहीं भगा सकता, इन्होंने भगाया, भगाने के बाद इन्होंने बाबा रामदेव को भगाया, हमने आपको पिछली बार भी बोला था, मेरे को भगाया। 19 आदमियों की लिस्ट दिखाई, अरविंद केजरीवाल का एक वो है चम्मच मनीष फनीश कौन पता नहीं कौन है, वो कहने लगा विश्वबंधु जी आपका नाम 19 आदमियों के नाम में है जिसको यहां घुसने नहीं दिया जाएगा। अरे मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हूं, मैं क्रिमिनल हूं, और तुम मेरे को कौन होते हो सड़क पे करने वाले के लिए? तुम दुकानें चला रहे हो,
अरे मेरा जिस दिन भाषण हो जाएगा तो ये सब ये लोकपाल भूल जाओ, वैसे भी नहीं आ रहा, जन लोकपाल सरकार भी नहीं ला रही, उनको अपने कारण है कि हमारी सबकी हत्या हो जाएगी। और ये लोग जो बन गए हैं बैठ के अपने आप पीछे गांधी की फोटो लगाकर, अरे नौकरी ढूंढनी है तो अखबार में एडवर्टाइजमेंट दो या अप्लाई करो, इन लोगों ने भी ये किया। ये तो धोखा है। मैं देखिए मैं आपको बात बताऊं, आपको मैंने पिछली बार भी बोला था कि जब ये सब कुछ हो रहा था मेरा मन बहुत दुखी था, आपको मैंने बोला, लेकिन इन लोगों ने जितने जाहिल हैं, ये अरविंद केजरीवाल जाहिल है, किरण बेदी जी को कुछ नहीं मालूम भ्रष्टाचार से कैसे लड़ाई हो सकती है। मैं उनसे ये बात जो कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, करप्शन का मामला मॉनेटरी मामला होता है, क्या एक्सपीरियंस है आज तक अरविंद केजरीवाल का, क्या करप्शन फाइट करने में एक्सपीरियंस है, राइट टू इंफॉर्मेशन में काम किया उन्होंने। और मैं अन्ना हजारे से पूछना चाहता हूं, इनको पता है करप्शन कहां से होती है, पता है कुछ इनको, घुस गए उठा लाए दो वकील अपने मनपसंद के, आज तक मुझे वो राज समझ में नहीं आया मनीष जी कि ये प्रशांत भूषण और लो इसको शांति भूषण जी को उठा के कहां से लाए, और फिर उनको कमेटी में डाल, और फिर उसको कमेटी में डाल दिया। हमने पिछली बार भी बोला था वो चेयरमैन है, को चेयरमैन, उसे बोला तो जाता नहीं को चेयरमैन है वो, अरे कोई एंटीक पीस दिखा रहे थे क्या कि कितने बुड्ढे बुड्ढे लोग भी यहां पे जबरदस्ती वकालत करते हैं इस देश में, उस बुड्ढे को उठा ले, क्या उसकी रेपुटेशन है, आज तक उसने क्या लॉ जर्नल्स में काम किया, क्या उसने इंटरनेशनल काम किया शांति भूषण ने, ये पता नहीं पांच आदमी क्या मिलकर इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, कॉन्स्पिरेसी करके वो एक स्वामी अग्निवेश बीच में, उनको आप देख लो कोई भी सरकारी काम हो सबसे पहले वो आदमी चलता है, नक्सलाइट से सरकार का झगड़ा है तो वो बीच में घुस गया नेगोशिएशन करने, इधर ये बाबा रामदेव के खिलाफ ये जन लोकपाल बिल का लाया गया ताकि बाबा रामदेव की जो इतनी बड़ी रैली हुई थी और इतने सारे लोग मंच पे इकट्ठे थे उससे सरकार घबरा गई थी, ये बात हम पहले भी उठा चुके हैं आपके आगे, शायद इसको कोई दोबारा दोहराना जरूरी नहीं है। ये लोग कांग्रेस पार्टी के साथ षड्यंत्र में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी ने इनका इस्तेमाल किया बाबा रामदेव को खत्म करने में, और जब इस्तेमाल किया आज इनको जूते मार के लात मार के इनको भगा दिया गया। और जो बाबा ये अन्ना हजारे बोल रहे हैं कि 16 तारीख को अगस्त से अनशन करेंगे, करें ना करें उनकी मर्जी है, मैं तो कहता हूं करें, करने के बाद सरकार कह देगी हाँ हम प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड कर लेंगे आप जाइए, उसके बाद विमेन्स रिजर्वेशन बिल आज तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था कई साल तक, ये ले आएंगे बिल को और उसमें हमको पता है कई पार्टी के लीडर आ जाएंगे, ये नहीं भी हुआ, हो अल्लाह हो गया, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, खत्म हो गया। ये किस बात का तमाशा चला रहे हैं, सरकार की नीयत नहीं है जज, सरकार को एक ये पिस्टल ऐसा है इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का मिनिस्टर मारा जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो सरकार की जो प्लानिंग है वो ये है कि आप किसी तरह से इन लोगों को उसके साथ डायलॉग में आप एक ढकोसला के तहत आप डायलॉग करो, मीटिंगें करो, मीडिया में जो है आप बताओ कि भाई हमारी बातचीत हो रही है, 15 अगस्त से पहले आप ड्राफ्ट तैयार करो और उसमें अगर ये जो है प्रधानमंत्री का नाम शामिल मत करो, और 16 तारीख से जब अन्ना हजारे भूख हड़ताल पे बैठे तो फिर आप जो है प्रधानमंत्री के नाम डाल लो अंदर, प्रधानमंत्री का डालने के नाम की घोषणा हो जाएगी 16 तारीख को और उसके बाद बिल में भी नाम होगा, और वो बिल कभी इंट्रोड्यूस नहीं होगा 5 साल तक, आप हमसे लिखवा लीजिए अगर हम इस बात पे गलत हो जाए तो। इसका मतलब तो ये है कि ये लोकपाल बिल ये उसका हाल वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की तरह होने वाला है। मनीष जी इस मूवमेंट में 82 लाख रुपया इकट्ठा किया इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने, कहां से आया इस सवाल का जवाब किरण बेदी दे, अन्ना हजारे दे, अरविंद केजरीवाल दे, कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं आपको तो पता होगा कम से कम 70% कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनकी बिजनेस है उनके नाम है, किन्होंने दिया पैसा, जिसको भी हाईकमांड ने बोल दिया, बाहर आके बोल दिया होगा किसी ने, जब टेलीफोन कर दिए होंगे पैसे दो इनको, इतने वो तो वैसे ही जब यहाँ 8 करोड़ का टिकट बिकता है एमएलए का उसी आदमी को टिकट चाहिए, तो ये तो 82 लाख इकट्ठा किया, कोई 20-22 से कर रखा है, वो तो सारे छोटे भैया ब्लॉक प्रेसिडेंट वो भी बिजनेस तो करते हैं भैया, उन सबके चेक आए हैं इनके पास। जब आपने शुरू ही पाप के पैसे से आपने मूवमेंट शुरू किया, पाप का पैसा लेकर, किस इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए,
सबसे बड़ा तो एक जिंदल है, सबसे बड़ी अमाउंट तो उसी की, अब याद नहीं आ रही मेरे को कितनी। सबको पता है ये कांग्रेसी आदमी है, कांग्रेस का लीडर है वो, तो भैया वो तो ये तो 82 उन्होंने कहा होगा 82 तक ही देना, वो तो 82 करोड़ दे रहे हैं इनको। ये पार्टी 42 लाख तो इन्होंने ऐसे दिया है जैसे वो चंदे में भिखमंगे को देते हैं। उन्होंने कहा छोटे मोटे स्वामी अग्निवेश जैसे क्या है ये लोग, क्या इनका करेक्टिव है, क्या इनका रिकॉर्ड है। अरे 82 लाख तो उन्होंने बहुत छोटा ही किया, किसी को लगा दी होगी किसी AICC के किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेवारी कि भाई कितना कर दो, उसने कहा चल 82 कराए, तो उसने कहा 5-7 को फोन किया, तो 2-3 ज्यादा फोन भी नहीं किया, उसने कहा बाकी किसी और। ये बिल्कुल मिले हुए थे, उन्होंने कहा बाबा रामदेव को भगा दो, मैंने उस दिन भी बोला था बाबा रामदेव को भगाया गया, विश्वबंधु गुप्ता को भगाया गया। विश्वबंधु गुप्ता के तो कांग्रेस से अच्छे संबंध रहे हैं पहले, आप भी जानते हैं। क्यों भगाया गया? वो रामलीला ग्राउंड की जो रैली थी बाबा रामदेव की जी, उन्होंने कहा किसी भी हालत में विश्वबंधु गुप्ता वहां पर नहीं आएंगे और वो कुछ भाषण नहीं देंगे, और इसीलिए इनको 82 लाख रूपये, इन्होंने तो कमाई की, इन्होंने बाबा रामदेव के शरीर और आत्मा को बेचकर कमाई की, विश्वबंधु गुप्ता के शरीर और आत्मा को बेच के कमाई की। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ब्लैक लिस्टेड थे, ये तो बंद होने चाहिए तीनों के तीनों जो मूवमेंट कर रहे हैं ये तुम्हारा अन्ना हजारे समेत। अरे तुम इसलिए तुमको 19 लोगों की जो लिस्ट दी गई थी, ये तुमने 19 लोगों को निकाला गया, उन्हें पता था ये इनके पालतू, मैं इतने वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं जानबूझ के यूज कर रहा हूं, कोई भावना से प्रेरित नहीं हो रहा हूं, ये बड़ा सीरियस चार्ज है। आप एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी आपको 19 लोगों की लिस्ट देती है कि ये नहीं आई। याद है एक बात कि बाबा रामदेव की रैली के दौरान अन्ना हजारे आपके बगल में बैठे हुए थे जी, बैठे थे, क्या बातें हो रही थी? पता नहीं एक बात बोल रहे थे मेरे को बैठ के कि ऐसा है मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में करूंगा, मैं कुछ अपना अनशन करूंगा लोकपाल बिल का ये वो, तो मैं ज्यादा उनको सीरियसली लेता नहीं हूँ, मैंने कहा हाँ इन्होंने कुछ किए हैं भूख हड़ताल ये मुझे मालूम था। और फ्रेंकली स्पीकिंग ये पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया, और ये ड्रामा रहे आप देखिए, आप जितना भी टेलीकास्ट हुआ अन्ना हजारे का वो कांग्रेस पार्टी ने टेलीकास्ट कराया उसको, और जो बाबा रामदेव का कहीं टेलीकास्ट नहीं हुआ वो बाबा रामदेव का टेलीकास्ट कांग्रेस पार्टी ने नहीं होने दिया रामलीला ग्राउंड की मीटिंग। आप लोग किसको बेवकूफ बना रहे हो? हम भाषण देंगे 16 अगस्त को, बैठे तो सही अन्ना हजारे। आपको क्या लगता है कि सारा जो मूवमेंट है ये अंदर बैकडोर बातचीत हो रही है? अन्ना हजारे इज ए पेड एजेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, आपको और बता देते हैं, सुन लीजिए, ऐसा पेड एजेंट है ये कैसे हम बता रहे हैं सबूत के साथ, सुनिए। हाँ। 2 दिन पहले इनका स्टेटमेंट आया कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है मनमोहन सिंह जी, आपका नाम तो हिंदुस्तान के उन प्रधानमंत्रियों में से है जो सबसे ईमानदार हैं, हाँ, और मुझे बड़ा दुख है कि आप ही कह रहे हैं कि आपकी सरकार कह रही है या पार्टी कह रही है कि आपका प्रधानमंत्री ना आए। ये लिखा 4 जून की जो रात को क्रैकडाउन हुआ, आपको बता रहे हैं ये बात पता नहीं कितने आपके दर्शकों को मालूम है, कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स सोनिया गांधी समेत चुप रहे, कॉन्स्पिरेसी रची गई इनको पीटने की, बच्चों को औरतों को, सरदार के सोने की इंतजार की गई मनमोहन सिंह के। मनमोहन सिंह 4 तारीख की रात को जब सोने गया उसको पता नहीं था क्रैकडाउन होने वाला है, प्रधानमंत्री के पीछे इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ ह्यूमन राइट्स का, जब वहां से इंफॉर्मेशन आई सरदार जी सो गए हैं उसके बाद क्रैकडाउन हुआ, और सरदार जी को सवेरे पता लगा कि क्रैकडाउन हो गया है। और आप और देखिए इस प्रधानमंत्री का हाल देखिए, मैं प्रधानमंत्री होता मैं इस्तीफा दे देता या उनको सबको निकाल देता मिनिस्टर्स को जिन्होंने क्रैकडाउन किया, प्रधानमंत्री के पीछे क्रैकडाउन हुआ, सुनिए आप इस बात को। और प्रधानमंत्री पे दबाव डाला गया कि अब आपको की बात बाहर निकली, तो प्रधानमंत्री ने कहा इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अरे इसके अलावा चारा नहीं था तो वो तो तब था जब तुम जगह होते तो उसके पहले चारा नहीं था। मनीष जी आप समझ रहे हैं इस बात को, ये देश कौन चला रहा है? अगर प्रधानमंत्री नहीं चला रहा है तो इसको 1 मिनट इसको कुर्सी पे बैठने का राइट नहीं है। अगर यहां पे देश लोग वो चला रहे हैं जो प्रधानमंत्री के रात के सोने का इंतजार करने के बाद काम करते हैं तो ये पूरा संविधान कूड़े के डब्बे में गिर चुका है। इसीलिए वो जैसा क्रैकडाउन हुआ, और उस क्रैकडाउन का एक पर्पस था बाबा रामदेव को ऐसा सबक सिखाना
कि ये जिंदगी भर अपना मुंह ना खोल सके। और अभी भी जो मुझे लगता है कि बाबा रामदेव बता नहीं रहे उनकी कितनी पिटाई हुई है, जो दो पुलिस वालों ने उसका वो जो बोल रहे हैं दुपट्टा लेकर, उनको इंस्ट्रक्शन थी। और बिजली बुझाई गई बाबा रामदेव के उसमें, और इनको पीटा गया, इनके पूरे तो गर्दन में चोट आई हुई पुलिस वालों ने जो मारा। बाबा रामदेव पे थप्पड़ मारना और उसका गला घोटना, कोई पुलिस वाला जब तक ऊपर से पूरी टॉप इंस्ट्रक्शन नहीं हो तब तक कोई नहीं कर सकता। कमिश्नर पुलिस वाला खुद खड़ा हुआ था कि क्यों गया वो हेलमेट पहन के वहां पे, ऐसा बड़ा कोई बहुत बड़ा कोई वहां पर कोई फायरिंग हो रही थी, हेलमेट पहन के पहुंचे हुए थे वहां पे। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी जो अन्ना हजारे और रामदेव को आरएसएस के एजेंट बता रही है, सारे आरएसएस के एजेंट है, जो आपको सूट ना करे। विश्वबंधु गुप्ता को तो आरएसएस एजेंट इसलिए नहीं कह सकते, मैंने तो विश्व हिंदू परिषद को उल्टा लटका दिया था, डिप्टी कमिश्नर तो सारे के सारे, इनकी थोड़ी प्रॉब्लम मेरे बारे में ये है, नहीं तो जो सारे आरएसएस मतलब सीपीएम भी आरएसएस एजेंट है, क्योंकि मूर्खों की इससे ज्यादा मूर्ख सरकार मैंने नहीं देखी, बेपढ़े लिखों की, डफर्स की, जो सूट ना करे अहमद वो आरएसएस एजेंट है। विश्वबंधु गुप्ता को तो इसलिए नहीं कह सकते, शायद सीपीएम वालों को कहते हुए थोड़ा लगे कि लोग शायद माने ना, सड़क पे एक मूंगफली वाला जो ठीक से मूंगफली नहीं दे रहा कांग्रेसी को, वो ही आरएसएस एजेंट, इनके बाप का क्या जबान खोलने में क्या लगता है, ये कोई नौटंकी नाटक हो रहा है। ये बताइए काला धन वापस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, काय को आएगा तो। अरे भैया, इन्होंने बड़ा हिंदुस्तान से इतना कमीनापन कर करके गरीबों का खून पीस पीस के इन्होंने पैसा उठा के बाहर भेजा है, अपने बच्चों के लिए भेजा है, अगली 15 पीढ़ियां इनकी हिंदुस्तान पे राज करेंगी उसी पैसे के बल पर। हमने कल ये बात समझाई है कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर को, हमने कहा ये पैसे का मामला नहीं है, बाबा गलत इसको इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, ये पैसा का मामला नहीं है। क्या है, जितनी भी राजनीतिक फैमिली है यहां पे, अकाली हो चाहे और है, सबके बच्चे यहां खानदानी छपाखाना खुला हुआ है, कोई है पॉलिटिशियन जिसका लौंडा नहीं हो पॉलिटिक्स में, क्यों है? आज आप चुनाव हार जाइए, हार गए, पैसा आपका पड़ा है 50,000 करोड़ 30,000 करोड़, अगले चुनाव में आपको हमेशा फायदा मिलता है, वहां से पैसा आ गया, तो जब तक वो पैसा रहेगा इस देश के अंदर कोई भी मेरिटोरियस आदमी पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता, आप समझ गए, उस पैसे के कारण, उस पैसे के सूद से ही चुनाव लड़ लेगा। नहीं, सूद की बात नहीं है, वो पैसा इतनी बड़ी ताकत है, उस पैसे को लिक्विडेट इसलिए किया जाना जरूरी है, इसके बिना इलेक्शंस में मेरिट जो लोग डिजर्व करते हैं वो कभी जीत नहीं सकते, आप समझिए इस चीज को, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप समझ गए? समझिए, इनके बच्चों के बच्चे तभी प्रधानमंत्री बनेंगे जब तक वो 90,000, 1,00,000 या 2.5 लाख, इमेल्डा मार्कोस का $120 बिलियन निकला था, 120 उस जमाने की बात कर रहा हूं, दुनिया का जो रिचेस्ट आदमी इस समय है वॉरेन मैक्सिकन है, तो क्या उसके एसेट $60 बिलियन एसेट है उसका, और ये बिल गेट्स आपका 45-46 बिलियन पर है, इमेल्डा मार्कोस के 120 निकले थे, मुझे नहीं पता इनके किसके कितने हैं। इस देश का लोकतंत्र स्विस अकाउंट के कारण खत्म हो चुका है, और हम आपको बता रहे हैं हमारी कुछ राजनीतिक सोच भी रहे थे हम कुछ चेंजेस करें, हम अब ये समझ गए हैं कि अब ये जो है विश्वबंधु तुम बिल्कुल बेवकूफ आदमी हो, वो जो पैसा पड़ा हुआ है वो तुमको नहीं आने देगा इस देश में, किसी भी बड़े आदमी, किसी भी ईमानदार आदमी को, किसी भी ऐसे आदमी को नहीं आने देगा। ये इंदिरा गांधी ने या सोनिया गांधी या फला नहीं चला रहा इसको, प्रकाश सिंह बादल या मायावती, ये स्विट्जरलैंड का पैसा इन खानदानों को पॉलिटिक्स चला रहा है इनके, इसीलिए यहां पर रॉबर्ट वड्रा जैसे आदमी इस समय देश चला रहे हैं, RSPG लिए हुए हैं, राहुल गांधी जैसे आदमी जिन्होंने BA पास नहीं किया 5 यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, मैं कोई किसी कांग्रेस के खिलाफ ये बात नहीं करना चाहता, बाकी की फैमिलीज के भी ऐसे ही होंगे सारे, इस देश के साथ देश की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, इस देश में लोकतंत्र मर चुका है, सिर्फ उसकी घोषणा नहीं की गई है, ये ऐसा ही है जैसे इंदिरा गांधी जी मर गई थी सवेरे और राजीव गांधी जी के आने का इंतजार किया गया, इस देश की लोकतंत्र की लाश
बन चुकी है। मैं एक बात और पूछना चाह रहा था कि जो इस दौरान मीडिया का जो रोल रहा बहुत घटिया रहा, शर्मनाक रहा। मेरी उम्र इस समय 61 साल हो चुकी है मनीष जी। उस दिन मैं एक बार इंटरव्यू में आपके थोड़ा सा रोया भी था कि कहां जाऊं। आज मैं सोच रहा हूं चले जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं जो पैसा खड़ा हो गया है, कई लाख, 400, 300, 200 लाख करोड़ खड़ा हुआ है आम आदमी के खिलाफ इन गुंडों के पास, क्या यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? यहां पे दिल बैठ जाता है जब यशवंधु गुप्ता जी से बात करता हूं। ऐसा लगता है कि भविष्य हिंदुस्तान का, सरकार जो भी कह ले, आंकड़ों में दिखा दे, गजटेर में या अखबारों में छपवा दे कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम मजबूत होते जा रहे हैं, हमारा लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है। लेकिन गुप्ता जी से बात करने पे ऐसा ही लगता है कि जैसे मानो किसी सुरंग के अंदर हम लोग चले जा रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा, और कहीं कोई रोशनी, कहीं कोई आशा, कहीं कोई ऐसा कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति नजर आए जिस पे हम कह सकें कि ये भविष्य को सुधारने के लिए, हिंदुस्तान को बदलने के लिए आगे आएगा, इसे हम समर्पित होकर समर्थन दें। अन्ना हजारे 16 अगस्त से अनशन पर बैठने वाले हैं। विश्वबंधु गुप्ता जी ने जो बातें कही, देखना है कि कितनी बातें सही होती हैं और कितनी बातें गलत। नमस्कार। ये देश कौन चला रहा है? ये बिकाऊ दलाल, मैं सरकार का कोई सपोर्ट नहीं करता। इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अन्ना हजारे इसे बीते